नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के रांची से। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड के 11 जिलों के अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास। कहा, जब सब कुछ सही है तो सरकार नियुक्ति में देरी क्यों कर रही है। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े 11 गैर अधिसूचित जिले के अभ्यर्थियों को सोमवार सुबह से मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर धरना जारी है। ये मंत्री से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी वह 2021 तक पूरी नहीं हुई। कब तक उन्हें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2017 में इन्होंने परीक्षा दी थी, 2019 में रिजल्ट आया। सितंबर 2019 से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर तक इसके आधार पर मेरिट लिस्ट भी बनकर शिक्षा विभाग को भेज दिया गया था। इसके बाद भी इसे जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने में क्यों देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे इस नौकरी के इंतजार में अब सड़क पर आ गए हैं। झारखंड के 5 जिलों में कोरोना के सभी मरीज स्वस्थ हो गए, 10 जिलों में संक्रमण हो रहा है कम। झारखंड के 5 जिले में सभी कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां अब कोई मरीज संक्रमित नहीं है। इनमें पाकुड़, गिरिडीह, हजारीबाग, सिमडेगा तथा प्लामो शामिल है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज तथा गोड्डा में महज एक एक मरीज ही अब भी संक्रमित है। राज्य के 10 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। इनमें चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमताड़ा, पाकुड़, रामगढ़, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। इधर रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 14,457 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें महज 31 संक्रमित पाए गए। राज्य के सिर्फ 4 जिले में ही नए मरीज मिले। इनमें रांची के 21, पूर्वी सिंहभूम के 6, सरायकेला खरसवां के 3 तथा देवघर के 1 मरीज शामिल हैं। 20 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। रविवार को राज्य में 36 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं 5 दिनों के बाद रांची में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में राज्य में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई थी। बता दें कि राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 433 हो गया है। खबर है झारखंड के प्लामू से। जंगल में अफीम की खेती करने वाले 4 गिरफ्तार, 10 आरोपी फरार। मनाथू थाना क्षेत्र के गांव में होने वाले अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 फरवरी को 10 नामजद व 5 अज्ञात के खिलाफ NDPS एक्ट व भारतीय वन अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। मनातू थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में केदल गांव निवासी सुरेश सिंह, मुनारिक सिंह, विजय सिंह व परमेश्वर सिंह शामिल हैं। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। सभी आरोपियों में मनातू थाना से 15 किलोमीटर दूर केदल के जंगल में अफीम की खेती की थी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले पुलिस ने छोटकी नागद व बड़की नागद गांव से अफीम की खेती के जुर्म में एक साथ 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। खबर है झारखंड के गुमला से। गांव की सड़कों पर दौड़ने वाली गुमला की सुप्रीति चंडीगढ़ में जीती गोल्ड। माँ बोली, बचपन से दौड़ने का जुनून ने दिलाया पदक। चंडीगढ़ में आयोजित 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गुमला की सुप्रीति ने झारखंड का गौरव बढ़ाया है। सुप्रीति ने बालिका अंडर 18 आयु वर्ग के 4 किलोमीटर दौड़ में 14 मिनट 40 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुप्रीति की इस जीत से गुमला के खेल प्रेमियों में खुशी है। झारखंड में 1,60,00,00,000 का फंड, फिर भी नहीं मिल रहा है पुलिस कर्मियों को यात्रा व भोजन भत्ता। धनबाद समेत राज्य भर के पुलिस कर्मियों को यात्रा व भोजन भत्ता नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल के दौरान से ही सरकार ने वेतन मद की राशि छोड़ पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के भत्ता की निकासी पर रोक लगा दिया है। देशीय यात्रा भत्ता व भोजन भत्ता को लेकर 1,60,00,00,000 का फंड जिला इकाई के लिए पूर्व से आवंटित है। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक अगर देशी भत्ता व भोजन भत्ता की निकासी का आदेश जारी नहीं होता है तो उपरोक्त मद में आवंटित राशि पुनः वापस हो जाएगी और पुलिस कर्मियों के भोजन भत्ता के लिए राजस्व के अतिरिक्त भार बना रहेगा। पुलिस मेस एसोसिएशन के प्रांतीय नेताओं ने इस मामले को लेकर गहरी चिंता की है तथा वित्त सचिव झारखंड सरकार को पुलिस कर्मियों के यात्रा भत्ता तथा भोजन भत्ता की निकासी को लेकर आवेदन भी दिया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। सड़क मरम्मत को लेकर धरना पर बैठे विधायक। गोड्डा पीरपैंती राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत की मांग पर सोमवार को महागमा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोहनपुर चौक में धरने पर बैठी।
इस दौरान विधायक ने सांसद निशिकांत दुबे पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सांसद आभासी दुनिया से बाहर निकले और धरातल की राज सच्चाई से रूबरू होकर जवाब दे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत में विलम्ब क्यों हो रहा है। वहीं पर गोड्डा से रेल परिचालन के लिए CRS की तिथि 26 फरवरी अब टल गई। गोड्डा रेलवे स्टेशन में चल रहे सिविल वर्क में विलम्ब होने से अब रेल परिचालन का भी समय बढ़ रहा है। फरवरी के शुरुआती दिनों में जिस तरह CRS यानी कमीशन रेल सेफ्टी के जल्द होने का कयास लगाए जा रहे थे, अब उस कार्य में विलम्ब होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर भागलपुर से गोड्डा जाना होगा अब आसान। चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगले वर्ष से भागलपुर से झारखंड के गोड्डा जिले जाना आसान हो जाएगा। दोनों जिले के बीच सड़क मार्ग को चौड़ा और सुगम किया जाएगा। टू लेन सड़क के साथ साथ घोघा में फ्लाई ओवर का निर्माण होगा। गोड्डा पंजवारा सड़क के चौड़ीकरण को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भू अर्जन विभाग ने अवार्ड की घोषणा कर दी है। रेतों को नोटिस भेजा जा रहा है। मार्च तक भू अर्जन का कार्य पूरा हो जाएगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज के बंदरगाह को 15 माह में 28 लाख की आमदनी। साहिबगंज बंदरगाह का निर्माण 290 करोड़ की लागत से किया गया है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से ऑनलाइन किया था। संदा गंगा तट पर बने इस बंदरगाह को 15 माह में 28 लाख की आमदनी हुई। बंदरगाह का निर्माण हल्दिया वाराणसी अंतर्देशीय जलमार्ग पर किया गया है। इससे भारत के अलावा बांग्लादेश नेपाल सहित अन्य देशों को जलमार्ग से मालवाहक जहाज से सामान की ढुलाई कर आमदनी करनी है। वहीं पर क्रिकेट के खेल में देवघर ने साहिबगंज को 3 विकेट से हराया। दुमका के गांधी मैदान में रविवार से प्रारंभ हुए अंडर 16 सुलोचना देवी स्मृति नॉकआउट चैलेंजर कप के उद्घाटन मैच में देवघर क्रिकेट एकेडमी टीम ने यूथ क्रिकेट क्लब साहिबगंज को 3 विकेट से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। वहीं पर साहिबगंज के बरहरवा कोटाल पोखर पथ पर रविवार की रात दो ऑटो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। खबर है झारखंड के दुमका से। संथाली को प्रथम राजभाषा बनाए राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर रविवार को दुमका के सिद्धो कानू चौक पर आदिवासी संगल अभियान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। आदिवासी संगल अभियान के संथाल प्रगना प्रभारी बीमो मुर्मू ने कहा कि मुख्यमंत्री संथाली को हिंदी के साथ झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। झामुमो इस मसले पर चुप है। ये लोग संथाली भाषा साहित्य और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। कहा कि आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद सालखन मुर्मू के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय झारखंड के राज्यपाल को पत्र लिखकर इसे हिंदी के साथ अनुच्छेद 345 के तहत झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने की मांग कर चुके हैं। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। हर घर को नल से मिलेगा शुद्ध जल। जल जीवन मिशन के तहत जिले के सभी परिवारों को नल से शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की यह महंती योजना है। इसमें पूरी ईमानदारी व जन भागीता के साथ काम करने की जरूरत है। यह जानकारी सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जल जीवन मिशन पर रविंद्र भवन में आयोजित कार्यशाला में दी। इसके पूर्व कार्यशाला का उद्घाटन उपायुक्त सहित महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने किया। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। बरकट्टा में हाथियों ने मचाया उत्पात, लोगों ने की मुआवजे की मांग। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड में जंगली हाथियों का कहर जारी है। रविवार देर रात बरकट्टा थाना क्षेत्र के बुचई में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 22 की संख्या में हाथियों का झुंड खेत पहुंचा और गेहूं की फसल को रौंद डाला। वहीं बुचई के प्राथमिक विद्यालय में रखे मिड डे मील का 4 क्विंटल अनाज चट कर गए। कई घरों को भी क्षति पहुंचाई। ग्रामीणों एवं वनरक्षी के सहयोग से मशाल लेकर हाथियों को खदेड़ा गया। पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। जिले में अब तक 382 किसानों को मिला कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। कृषि ऋण माफी योजना के तहत खुट्टी जिले के 382 किसानों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। इन किसानों के सारे आवश्यक कागजातों की जांच पूरी कर उपायुक्त द्वारा इनके आवेदन FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर के लिए अग्रसरित किया गया है। जिले में अब तक कुल 14,900 किसानों ने कृषि ऋण माफी के लिए आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए हैं। सोमवार को जिला कृषि पदाधिकारी के पास 100 किसानों का आवेदन जाँच के लिए पहुँचा। ऑनलाइन आवेदनों की जांच के बाद उन्होंने आवेदनों को जिला के उपायुक्त के पास भेजा। उपायुक्त द्वारा जांच किए जाने के बाद इन सभी किसानों को भी लाभ मिलेगा। वहीं पर खुट्टी में ही क्षेत्रीय महासभा ने लिया संकल्प, ना देह देंगे ना लेंगे। क्षेत्रीय महासभा के सदस्यों ने एक स्वर में मां भवानी का संकल्प लेकर कहा कि वे ना देह देंगे और ना ही लेंगे। सोमवार को कर्रा प्रखंड के पोड़ा गांव में चिंतामणि सिंह की अध्यक्षता में हुई एक दिवसीय सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया। दूसरी बात है कि पत्थलगड़ी आंदोलन समर्थक
53 लोगों ने वापस लिए हैं कागजात। खुट्टी में ही पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी प्रमाण पत्र वापस करने वाले लोग अब धीरे धीरे वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। वे अब सभी प्रकार के सरकारी कागजात वापस लेने लगे हैं। इसी क्रम में सोमवार को खुट्टी प्रखंड मुख्यालय में 53 लोगों ने अपने कागजात वापस लिए। खबर है झारखंड के बोकारो से। 23 फरवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गुल रहेगी बिजली, 18 लाख उपभोक्ता होंगे प्रभावित। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के पावर ग्रिड में मरम्मत का काम होने के कारण मंगलवार को सेल, सीसीएल, आईईएल को छोड़ बोकारो जिला में जेवीवीएनएल के सभी सब स्टेशन में 9 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत अंचल चास के अधीक्षक अभियंता मुकुल कुमार गुरुवारा ने दी है। बोकारो में ही राज्य स्तरीय तिरंगदाजी में बोकारो के रिकू कुमारी को मिला स्वर्ण पदक। वहीं पर बोकारो में स्टील सिटी कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा के लिए महिला छात्रावास का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दिसंबर 2019 में इस छात्रावास का उद्घाटन किया गया, लेकिन अब तक छात्राओं को छात्रावास का आवंटन नहीं किया गया है। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में अध्ययनरत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं लगभग एक वर्ष छात्रावास के आवंटन का इंतजार कर रही है। छात्रावास का आवंटन नहीं करने से छात्राओं का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें आत्मबल मिलते रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।